मैं ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे जो संस्थान है सिफा सेंट्रल इंडियन फिशरीज एक्वाकल्चर इंस्टीट्यूट है, ये सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स है जो नए नए व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, तो सिफा से टेक्नोलॉजी लेकर के किस तरीके से अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें दो फायदा है, दो क्या कई फायदा है। एक तो जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं वो अपना बिजनेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस साथ साथ जो बाकी जो कस्टमर है, जो फार्मर है, जो फिश ग्रोअर्स हैं, उनको भी अपना टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, चाहे कोई फिश फीड दे रहे हैं, कहीं कोई मेडिसिन दे रहे हैं, कहीं कोई एचआरवी के माध्यम से अच्छे ब्रीड्स दे रहे हैं, और साइंटिस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी जो है कि हम पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का माध्यम से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं। हम ये मान करके अभी चल रहे हैं कि जब तक हमारे जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, जो स्टार्टअप्स कह लीजिए या FPOs कह लीजिए, वो लोग और जो फार्मर्स और साथ में हमारे वैज्ञानिकगण जो काम कर रहे हैं, ये तीनों जब मिल करके काम नहीं करेंगे, तब तक जो है कि हम चाहे वो फिश में हो, चाहे वो क्रॉप में हो, चाहे वो लाइफ स्टाइल में हो, इसमें इसको हम बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो सिफा ये जो इनिशिएटिव लिया है, और मैं इस बार नहीं, पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, हर बार जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बुलाते हैं, स्टार्टअप्स को बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनका जो प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, कैसे उनका गुणवत्ता बढ़ाया जाए, कैसे उनका मार्केटिंग स्किल को बढ़ाया जाए, कैसे और लोगों तक पहुंचाया जाए, तो एक बहुत अच्छा मॉडल सिफा ने जो है कि प्रस्तुत किया है। और मुझे लगता है कि बाकी संस्थान, कई संस्थान में है जहाँ नहीं है, वहाँ भी ये सिफा का जो मॉडल है इसको एडॉप्ट करेंगे, इसको अपनाएंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबका मदद हमें चाहिए। जब तक ये सारा चीज़, देखिए हमारे परिषद में हम एक्सटेंशन का काम तो करते हैं, लेकिन एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। इतना बड़ा देश है, इतने बड़े देश में 14 करोड़ जो कि हम कहते हैं फार्मिंग फैमिली है, तो उन तक पहुंचने के लिए हमारे परिषद तो बहुत ही छोटा सा है। तो आप लोग का माध्यम से ही ये समाचार जो है कि लोगों तक पहुँचेगा, वो जहाँ पहुँचेगा वो लोग अगर सिफा को कॉन्टैक्ट करेंगे, बाकी हमारे परिषद के जो बाकी संस्थान हैं उनको कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मीडिया का जो रोल है, मीडिया का जो महत्व है, वो बहुत ही ज़्यादा है आज के दिन, और इसलिए आप सब यहाँ आए, इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही आशा करूँगा कि समय अगर आप लोग को मिले तो एक जो हर एक टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर भी ये 2-3 मिनट का वीडियो करे। मैं जानती गोटे कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य जो आम एग्रिकल्चर हूँ आम मेन बिजनेस, तो से आम बिजनेस कमी कनवर्ट करवाप गोटे सेन्टरटा कराई जो आम एंटरप्रेन्योर मैंने जो मैंने एग्रिकल्चर रिलेटेड कृषि भित्तिक बिजनेस कराया चाहूँ, सीड कराया चाहूँ, फिड कराया चाहूँ, प्रोसेसिंग कराया चाहूँ, ये सबुरे जमी से बिजनेस करें प्रोत्साहन देवाई सपोर्ट करने सेन्टरटा कराई। यहाँ ओडिशा सरकार और भारत सरकार मिलित आनुकूल्य कराई जहाद्वारा कि गुड़ाए एंटरप्रेन्योर आम उद्यमी जो मैंने अच्छे से लाभवान है। फार्मर्स मान को तो जो बेनिफिट दिया दिहि जोटा देखो आमर जो आईसीआर काम है रिसर्च करा, ज्ञानकौशल बाहर करवा, आ ज्ञानकौशल चाषी को पाखे कमी पहुँचा, यहाँ आम मुख्य काम। ता बाहर जो एंटरप्रेन्योर मैंने जो आसो मैंने कृषि भित्तिक व्यवसाय करके सपोर्ट करने यहाँ व्यवसाय केन्द्र हिसाब से कराई, आ चाषी आम से ट्रेनिंग दिखाई टेक्नोलोजी ट्रांसफर कराँ टेक्नोलोजी कमर्सियालाइजेसन कराँगी, तेणु चाषी को भी सपोर्ट दिखाई एंटरप्रेन्योर को भी सपोर्ट दिया जो इनाग्रेसन एंटरप्रेन्योर का गोटे नुआ फैसिलिटी क्रिएट कराला जो ट्रेनिंग कैपासीटी बिल्डिंग होपर जो बिजनेस मीटिंग गुड़ा कराईपर कनसल्टेन्सी दिह बिजनेस रिलेटेड जितक सपोर्ट दरकार सब ये करा से केन्द्रटा उद्घाटन है।